अस्सलाम वालेकुम। ये है फोटोशॉप की नई ट्रेनिंग जिसका नाम है जो है 11वीं ट्रेनिंग। और इसमें हम बेसिकली देखें कि किस तरीके से, ये बेसिकली टोटल डिपेंड कर टोटल ट्रेनिंग डेडिकेट है सिलेक्शन पे। और इसमें बेसिकली हम लोग सारा कुछ सिलेक्शन के बारे में सीखेंगे और सीखें कि किस तरीके से अपनी सिलेक्शन बनाई जाती है और उसमें से चीज़ें निकाली जाएंगी। तो और ये सिलेक्शन के जो टेक्निक है ये एडवांस लेवल पे आके हम सीखेंगे। सो बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि क्विक सिलेक्शन ही देखेंगे, लेकिन क्विक सिलेक्शंस को एक एडवांस लेवल पे आके देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग सिलेक्शन बनते हैं और किस तरीके से इस सिलेक्शन को एक कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो इसमें इस ट्रेनिंग में हम देखेंगे किस तरीके से एक टूल के साथ साथ कई दो तीन टूल्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है ताकि सिलेक्शन बनाई जा सके। जिस तरह ये एक ईगल है, आपने देखा होगा ये चील है, और मैं चील को चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड से अलग हो जाए और अलग एक बैकग्राउंड पर आ जाए। तो देखिए मैं किस तरह करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करता हूँ जो कि हमारे क्विक सिलेक्शन टूल है। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल में आके मैं, आपने जैसे पता होगा कि जिसमें क्लिक करते रहता हूँ तो वो उस पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट कर लेती है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे ब्लैक कलर है का चील है और ये स्काई है तकरीबन आपके ब्लू कलर। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ब्लू कलर को सेलेक्ट करना शुरू कर देगी। तो मैं क्लिक करना शुरू करता हूँ, ये देखिएगा। तो मैंने क्लिक करना शुरू किया यहाँ से, ये देखिए जैसे मैं क्लिक करते जा रहा हूँ ये इसकी एजेस को सिलेक्ट करते जा रही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ थोड़ा ख़राब हुआ है, ब्लैक कलर का आ गया। तो इस तरीके से और मज़ीद क्लिक करना शुरू कर दूंगा। अच्छा, मैं बता रहा था कि यहाँ से अगर देखें सिलेक्शन ख़राब हो रही है, इसको फ़िलहाल में इसको बाद में ठीक करें। ठीक है, तो बड़े अफसोस की बात है, कुछ चूज़ा आई गेस ये उनकी अम्मी है या वो वट एवर, तो इनके हाथ में कुछ चूज़ा है। चूज़े के पैर को थोड़ा सेट कर रहा हूँ मैं इधर से। वेल, आप देखिएगा कि थोड़ा सा आप इसको शिफ्ट दबा के मैं करूँ तो ऐड करेगा उसमें। ठीक है, सॉरी। अच्छा, एक बात अगर आप गौर करें इस बार, तो मैं ब्लू एरिया को बेसिक सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो एरिया ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे क्या दबाना पड़ेगा, ऑल्ट दबाना पड़ेगा ताकि ये ब्लू एरिया सेलेक्ट हो रहा है। देखिएगा ये जो ये एरिया ना ये सेलेक्ट हो रहा है, ये एरिया सेलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसका मतलब। तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये देखिएगा इधर से। ठीक है, और मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूँ और ऑल्ट दबा के सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा है सबको। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं और आगे जाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ तक ही सिलेक्ट हो गया। अगेन मुझे इस ब्लू को और सेलेक्ट करना है। अब आई रिपीट कि मैं ब्लू एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ ना कि ये एरिया, जो जिस एरिया पे क्लिक होगा वो एरिया सेलेक्ट होगा। तो मैं दोबारा से प्लस प्रेस करता हूँ और शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ और सिलेक्ट करना शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए ब्लू एरिया सिलेक्ट हो रहा है, कीप इन माइंड। ठीक है, राइट। अगेन मैं सिलेक्ट करते जा रहा हूँ उसको। और राइट, सो अब मैं इसको प्लस प्रेस शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, दोबारा ऐड करना शुरू कर। ठीक है, कीप गोइंग ऑन। अब देखिए मैं इसके बॉर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ और ये इसको ग्रो करता हुआ यहाँ से और आगे ले आया, और ये देखिएगा तकरीबन, और ये तकरीबन आप देखिएगा कि ये यहाँ तक सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इसको डीसेलेक्ट करेंगे। अच्छा, यही टूल आपने लिया हुआ है, इस टूल को लिया हुआ है, क्विक सिलेक्शन टूल को लिया। इसके साथ ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल पर। ठीक है, मैग्नेटिक जैसे कि आपको पता होगा कि वो क्या करता है, वो बेसिकली इनकी एजेस को पकड़ लेता है। ठीक है, और कीप इन माइंड कि ब्लू एरिया सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास सिलेक्ट हुआ है ये, मैंने मैग्नेटिक ले लिया और अब मैंने शिफ्ट प्रेस करा अपने कीबोर्ड से और मैं इसके साइड में देखें वो करना शुरू कर दिया घर से। ठीक है, सॉरी, शिफ्ट नहीं, ऑल्ट प्रेस करना मुझे ताकि मुझे सब्ट्रैक्ट करनी। यहाँ तक मैं गया और डबल क्लिक किया, राइट। अच्छा, एक बार और ट्राई करने, क्योंकि मुझे लग रहा है शिफ्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा से ट्राई कर लेते। ठीक है, ये यहाँ तक लिया,
और भी डबल क्लिक, आई सी। अच्छा अब स्टिल ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, सो ऑल्ट प्रेस कर, मेरे ख्याल से ऑल्ट प्रेस होगा। और जिस तरह आपको पता है कि आप बैक स्पेस करेंगे तो वो पॉइंट छोड़ देगा वहाँ से, ठीक है। ये आपने क्लिक कर लिया था, ये देखिए मैंने उसमें से सिलेक्शन को ख़त्म कर दिया दोबारा से, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इसी तरीके से आप यहाँ भी इसी तरह करेंगे, आपने यहाँ क्लिक करा, एक क्लिक इधर करा और ये ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन को ग्रैब कर रहा है, ये देखिएगा। स्टिल आपने यहाँ से एक क्लिक ये करा, ये ऑटोमेटिकली ये आपके पॉइंट्स को ग्रैब करते जा रहा है, एजेस को, जस्ट यू हैव टू क्लिक, ये देखिएगा। मैंने ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट का मतलब है कि सिलेक्शन रिमूव करना, तो इस एरिया में जो सिलेक्ट हुआ है उसको रिमूव करते जा रहा है। अगेन मैंने ऑल्ट प्रेस किया हुआ यहाँ से एंड देन क्लिक। तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये तकरीबन सब में अप्लाई होगा। एक और मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊं, हाँ ये देखिए इस पार्ट पे देखिएगा, मैंने जैसे ऑल प्रेस करा है और मैग्नेटिक सिलेक्शन ऑटोमेटिकली एज इसको सिलेक्ट कर रहा है, मैं सिर्फ माउस अपना इसके ऊपर वो कर रहा हूँ, रोल ओवर कर रहा हूँ, जस्ट दैट्स इट, ठीक है। ये एंड देन मैं अंदर की तरफ आ गया और डबल क्लिक कर, ये देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है, देखिएगा सिलेक्शन का अलग हुआ सिलेक्शन, ठीक है। और तकरीबन एजेस सही है इसकी, ये एज भी बिल्कुल सही है और ये तकरीबन ज़्यादातर एजेस सही है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इस एज पे, तो यहाँ पे भी मैं ये करूँगा मैग्नेटिक सिलेक्शन लेके और इनसाइड क्लिक, ये देखिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, तो मैं अंडू कर लेता हूँ कंट्रोल सेट से और दोबारा से मैग्नेटिक सिलेक्शन ले लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस किया हुआ मैंने, यहाँ से लेके आ रहा हूँ मैं इसको। आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा इसको, बट यू प्लीज ट्राई, ये देखिएगा। और इस पैड को मैं इसी तरह सेट कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना ज़्यादा इजी हो सके, इजी तरीके से मैं आपको इसको समझाऊं। राइट, ये देखिए यहाँ तक ही आ गया एंड अब हम यहाँ जाके ये देखिए, अच्छा ये थोड़ा सा स्लो हो गया, तो यहाँ से इसको आप इस तरह हटा सकते, सॉरी अच्छा इस दफ़ा ये शिफ्ट प्रेस हो गया था ताकि सिलेक्शन में ऐड हो, ये देखिए यहाँ से भी इसी तरह कर सकते हैं आप, लाइक दिस। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और आ रहा है, सो अगेन मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, बैक स्पेस भी साथ साथ, लाइक दिस ओ सॉरी समबडी मैसेज मी, आई एम सॉरी। ऑलराइट सो यहाँ से एक और है Like this. Oh, I'm sorry. So, is this इस तरीके से ये तमाम चीज़ें आपकी रिमूव हो जाएंगी इधर से, राइट। एंड ओ सॉरी मैं ऑल्ट प्रेस करना भूल गया, ऑल्ट and then again, यार ये कौन गाना चला दिया इसने रात के 12 बजे, लाइक दिस ओके। और तकरीबन ये वाले जो पार्ट्स हैं ये
मैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा कुछ करने पड़ गया। अच्छा, इसके बाद मैं कुछ थोड़ा सा आगे जाता हूँ और आपको मेन पार्ट पे ले आता हूँ, इस पार्ट पे। ठीक है, इस पार्ट में मैं आपको ले आता हूँ। इस पार्ट्स के आप मैजिक वॉन्ड, अब मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से मैजिक वॉन्ड इस तरीके से, और अगेन मैं ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ। अभी देखिएगा मैजिक वॉन्ड से इसकी टॉलरेंस थोड़ी बढ़ा 60 कर दी। ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं, ये देखिएगा, देखिए आप यहाँ से ये मैं सिलेक्ट करना शुरू कर दिया मैजिक वॉन्ड अगेन। इनफैक्ट मैजिक वॉन्ड अगर अगर आपको लग सही काम नहीं करेगा तो आप उसे कंट्रोल सेट कर सकते हैं और मजीद लाइक दिस, एंड उसके बाद आप क्विक सिलेक्शन ले सकते हैं ये, और इसको ऑल्ट प्रेस कर सकते हैं। ये देखिएगा, देखिएगा ये कितना अच्छा काम करता है इस पर। थोड़ा सा और लाइक दिस, देखेंगे लाइक दिस एंड दिस लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, तो और थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं छोटा करके इसको, ताकि इसमें से थोड़ा निकल जाए। बाकी फिनिशिंग आप अपने तरीके से कीजिएगा इसको, और ये काफ़ी, और इसको मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं और छोटा करते जा रहा हूँ इसको, और इसको इनसाइट लेके जाता जा रहा। लाइक दिस, और इसी तरीके से थोड़ा सा माउस बढ़ा के लाइक दिस। क्योंकि हमारी तस्वीर इतनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन तो पिक्चर नहीं है, तो फिलहाल इस हद तक हम लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इस तस्वीर में और मज़ीद हम लोग डिटेल्स ऐड करेंगे, किस तरीके से इसको बैकग्राउंड से अलग करेंगे। सो थैंक यू सो मच।